गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वीडियो बनाने में। क्यों आप पूछिए, आपका सवाल तो यही रहेगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि आज मैं क्यों खुश हूँ। क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के डिमांड पर बना रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया है कि दीदी जेड के बारे में और भी बहुत कुछ बताओ, तो सच मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझसे पूछे और मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। आपके डिमांड पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ये सोच करके ही मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो देखिए, आपने सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे जेड के बारे में ही पूछा है, तो मैं आज आपको जेड के ही बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए, आप सामने में देख रहे हैं और देख के समझ भी गए होंगे कि ये जेड का प्लांट है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने जेड प्लांट। ये देखिए छोटे से छोटे पॉट में भी आपको मिलेंगे। और ये देखिए, एक वेरीगेटेड वाली है जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती है और ये वाइट और ग्रीन में होती है। ये देखिए, और यहाँ देखिए, ये छोटे से छोटे पॉट में आपको लगा हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये है मेरा जेड का। तो आपने देख लिया कि मैंने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स मैंने कर लिए हैं। और अब आपने सवाल मुझसे किया था कि आपके जेड जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं विंटर में, तो इसको कैसे सही करना है। तो देखिए, इसको सही करने के लिए आपको दो चीज़ करने हैं। एक तो आपको पानी कम डालने हैं और इसको वहाँ रखना है जहाँ आपको पूरे दिन की इसको सनलाइट मिलती हो, क्योंकि ये जेड जो होता है वो सनलाइट लविंग प्लांट है। तो इसको अगर आप सन में नहीं रखते हैं तो ये ख़राब होने लगता है। और वैसे एक और भी कारण है, क्योंकि जेड जो है उसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है विंटर, मतलब विंटर में ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो थोड़ी सी अगर आपकी ग्रोथ जेड की रुक भी गई है तो कोई बात नहीं है, अभी समर स्टार्ट हो रहा है, फरवरी मिड से आपका जो ग्रोथ है इसका जेड का वो ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी ये ग्रो करने लगेगा। तो विंटर में यदि आपका थोड़ा सा ग्रो कम किया है तो आप परेशान ना हो, और ये अच्छे से अब करने लगेगा। अब इसका टाइम आ रहा है, इसका टाइम ही है, एक्चुअली समर ग्रोविंग प्लांट है, ये समर में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, इसके लिए आप टेंशन ना लें। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, ये आपके सवाल का जवाब है, आप परेशान थे इसलिए। और दूसरी, विंटर में इसको रखने के लिए क्या करते हैं, इसको पानी बहुत कम डालते हैं। आप देखिए, खुद भी देखिए, मेरी सॉइल को देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए सॉइल मेरा कैसा है, ये देखिए। तो इसका सॉइल का ख्याल रखिए, इसकी सॉइल में जो पानी है ना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए तब जा करके आप पानी दीजिए, और विंटर में तो विशेषकर इसको पानी वीकली दीजिए, वीकली आपको वन डे या टू डे दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चूंकि जेड का क्या है, ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए पत्तियाँ, देखिए इसकी मोटी मोटी होती हैं, ये देखिए, देख रहे हैं, तो इसमें जो है पत्तियों में ही इसका पानी भरा होता है। ये सकुलेंट फैमिली से है, तो सकुलेंट का मीन्स ही है उसमें पानी भरा रहेगा पत्तियों में, तो इसमें भी पानी भरा रहता है, इसलिए आप पानी इसमें कम डालेंगे और सनलाइट में इसको पूरा देंगे, फुल सनलाइट में आप इसको रख दीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आराम से चलेगा। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया ना। और दूसरी बात है, सनलाइट में रखना है, पानी कम डालना है, मिट्टी इसका बिल्कुल भुरभुरी रखना है, और यही इसका उपाय है। और जेड तो काफ़ी ग्रोथ करता रहता है और बहुत ही अच्छा और लकी प्लांट है। सबसे बोलिएगा तो जेड प्लांटों में मुझे सभी अच्छे लगते हैं, मगर हाँ जेड जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। चूँकि और इनकी कटिंग भी आप जानते ही हैं,
ये देखिए यहाँ से आप कट करके और इनको मिट्टी में लगा दीजिए, ये आप बढ़ जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कोई खास मिट्टी भी इनको ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा मिट्टी रखेंगे वैसा मिट्टी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनको सॉयल ऐसा दीजिए कि इनमें पानी ना जमा हो, पानी आप डालें ऐसा पॉट में और वो नीचे से चला जाए, मतलब भुरभुरी थोड़ा सैंड मिक्स वाला रखिए, फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली जेड में तो बहुत ही अच्छा है, इनमें आज तक मैंने कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, ये बहुत अच्छे से चलते हैं। मगर हाँ विंटर में नहीं चल रहे होंगे तो आप घबराइए मत, विंटर में इनका डोरमेंसी पीरियड है, सुप्तावस्था में रहते हैं ये। अब इनका ग्रोथ वाला पीरियड आ रहा है और ये ग्रोथ में बहुत अच्छा करेंगे, आप टेंशन ना लो। तो और आप क्या जानना चाहते हैं ज़रूर बताइए। आप समझ गए जेड को कैसे रखना है, जेड को पानी कम डालना है, सॉयल इनका भुरभुरी रखना है, मतलब चिपचिपी गिली सी नहीं होनी चाहिए, और सनलाइट में रखिए, बस यही है। और तो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना आपको पड़ता नहीं है, सबसे अच्छा प्लांट यही है कि इनको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, फर्टिलाइजर भी इनको ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। मगर आप देना ही है तो आप दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद को आप लिक्विड दीजिए, देना भी है ना तो लिक्विड दीजिए इनको, और 2 मंथ्स 3 मंथ्स पर दे दीजिए। ऐसा कुछ भी इनको नहीं है कि मंथ में देना ज़रूरी है, इनको 2-3 मंथ्स में दे दीजिए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करते। और देखिए ये कितना खूबसूरत है, इनको एक डाल कट करके आप दूसरे में लगाइए। मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, मैं एक ही प्लांट लाई थी और एक प्लांट से आप देखिए कितने सारे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, ये देखिए देखिए। और छोटे से छोटे पॉट में भी आपको बहुत अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने इसको एक्चुअली 3 जगह पर रखा है, बालकोनी में भी रखा है, अपना नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना उस पर भी रखा है जहाँ धूप बहुत कम आती है, और ये मेरा टेरेस गार्डन है, तो टेरेस पर आपको इनको फुल डे इनको सन मिलती है। लेकिन हालांकि मैंने नेट डाला हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादातर बोलिएगा तो आपको ये टेरेस पर बहुत अच्छे से चल रहा है। नीचे भी है, नीचे इनकी पत्तियाँ ज़्यादा ग्रीन हो चुकी हैं, नीचे भी अच्छे से चल रहा है, बट हाँ टेरेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो आप परेशान ना हो, अब जेड का टाइम आ गया है, अब ये काफ़ी बढ़ेगा और आप इसका ग्रोथ देखिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे हर हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू, थैंक यू।